हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है चंदन गनोत्रा। और बच्चों, अगर आपका भी हाल ही में क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया है और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, क्योंकि बच्चों बहुत सारी जगह पे अलग अलग वीडियोस बन रही हैं। बट अब क्योंकि सीबीएसई ने एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि इस साल, जी हां बच्चों, जो इस साल 2024 में जिन बच्चों का अभी रिजल्ट आया है, राइट, उन बच्चों के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स, फॉर ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट। और बच्चों, ये जो तीन तरीके हैं, इससे आप अपने आप को, अपने मार्क्स को डबल वेरीफाई कर सकते हो और चांसेस आर कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कल से मेरे पास मैसेज आ रहा है एंड दे आर सेइंग, सर मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था, मुझे पता नहीं 90 प्लस एक्सपेक्टेड थे और मेरे 75 नंबर आए हैं, मुझे 80 प्लस एक्सपेक्टेड थे, मेरे 60 नंबर आए हैं। तो बच्चों, अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करने वाला, ऑफिशियल सीबीएसई का जो सर्कुलर आया है बच्चा, एक टेंथ का आया है, एक ट्वेल्थ का आया है, मैं उसके रिगार्डिंग ही बात करने वाला हूं। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं, फीस बताने वाला हूं, क्या मार्क्स घट भी सकते हैं ये बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे तो आप इसकी स्पीड को डबल कर सकते हैं जल्दी देखने के लिए। चलिए बच्चों, तो सीबीएसई ने अभी हाल ही में, मतलब 13th 2024 को, राइट, कल ही आपका रिजल्ट आया है बच्चा, और कल ही सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है, राइट। एक सर्कुलर है बच्चा टेंथ के लिए और एक सर्कुलर है ट्वेल्थ के लिए। तो अभी मैं आपके सामने टेंथ का सर्कुलर पेश करने वाला हूं। तो टेंथ के बच्चे जिन्होंने इस साल बोर्ड एग्जाम लिखा है, मतलब 2023-24 वाले जो बच्चे हैं, 23-24 बैच वाले बच्चे हैं, उनके लिए बच्चा ये सर्कुलर जारी किया गया है। अब इस सर्कुलर में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो शायद आपके लिए रेलेवेंट ना हो, क्योंकि ये सर्कुलर जनरली आपके स्कूल के पास जाता है, फिर आपके स्कूल आपको इन्फॉर्म करते हैं। बट मैं आपको मेंटर की तरह एक बार बता देता हूं कि क्या प्रोसेस होने वाला है बच्चा, जिस तरह से आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर थोड़ी बातें कर रखी हैं कि इस साल 22 लाख बच्चों ने, लगभग 22.8 लाख बच्चों ने क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम लिखा, इतने स्कूल थे, इतनी आंसर शीट्स चेक हुई, ये सारी चीजें लिख रखी हैं, राइट। तो यहां पर बेसिकली बोर्ड्स ने ये बता रखा है कि देखो बच्चा, जो आपके इस बार आंसर शीट चेक हुई है ना, वो बहुत तसल्ली से हुई है। जैसे इन्होंने लिखा, ओनली 20 आंसर बुक्स वाज असाइंड टू द इवैल्यूएशन इन 8 आवर्स, 8 घंटे में केवल 20 आंसर शीट्स चेक हुई हैं। तो मतलब बहुत अच्छे से आंसर शीट्स चेक हुई हैं। तो सारी चीजें लिख रखी हैं कि बहुत सारी अच्छे से करेक्टेड, करेक्टनेस है कि नहीं, बहुत अच्छे अच्छे इवैल्यूएटर्स को लाया गया, ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने पूरा प्रोसेस यूज किया, ठीक है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही आए। बट यहां पर बच्चे लिखते हैं सीबीएसई, See, although CBSE has taken large number of possible steps in the assessment and preparation of the results, however, if the students are still not satisfied with the evaluation or the result, they are provided the facility for the verification of marks. आप अपने marks को verify करा सकते हैं. The facility to obtain the photocopy of their evaluated answer books. जी हाँ बच्चों, आप अपनी answer books की भी copy को ले सकते हैं, उसकी photocopy. And the revaluation of their answers. अगर किसी specific आंसर में आपको लगता है कि यहीं पर मेरे मार्क्स कटे होंगे, बट मैं श्योर हूं कि मेरा प्रोसेस सही था, तो आप उस स्पेसिफिक आंसर को रिवैल्यूएट भी करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स यूजिंग दिस फैसिलिटीज आर रिक्वेस्टेड टू रीड द गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस बच्चा इस साल के लिए है, ठीक है। तो मेक श्योर, ध्यान से समझना, केयरफुली बिफोर अप्लाइंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस लेटर, क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे जल्दबाजी में भर देते हैं, बाद में मार्क्स कट गए तो बोलते अरे यार ये तो लेने के देने पड़ गए। तो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से वीडियो को शुरू से एंड तक समझना। गिवन बिलो आर द मॉडेलिटीज एंड द स्केड्यूल, स्केड्यूल भी मैं आपको बताने वाला हूं, फीस भी बताने वाला हूं, प्रोसेस सब चीज बताने वाला हूं इसी वीडियो में, राइट। तो 10th का बच्चा 2023-24 को, 12th का भी लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक रुक के रखना, ठीक है। तो देखो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए कर सकते हैं आप अपनी फोटोकॉपी, इवेल्युएटेड आंसर शीट को भी फोटोकॉपी के फॉर्म में ले सकते हैं, और रिवैल्युएशन ऑफ आंसर्स। तो ये तीन कैटेगरीज हो गई बच्चा, जिसकी हेल्प से आप डबल चेक कर सकते हैं कि आपके मार्क्स सही आए हैं या गलत आए हैं, ठीक है। तो यहां पर पूरा लिख रखा है, सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड स्केड्यूल्स अलोंग विद द प्रोसेसिंग चार्जेस। तो एक इसमें चार्जेस इंक्लूड होंगे, ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है, ठीक है, और जो स्केड्यूल दे रखा है
उसी पे आपको स्टिक करना है। ये नहीं कि 6 महीने बाद आप जागे और आपको लगा नहीं अब मैं अप्लाई करता हूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नो एप्लीकेशन आफ्टर द स्केड्यूल डेट एंड टाइम इन द ऑफलाइन मोड एंड इन द ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो पूरा प्रोसेस बच्चा ऑनलाइन है इस बार, राइट, तो कुछ ऑफलाइन नहीं है, स्केड्यूल के बाहर कुछ नहीं होगा। सीबीएसई हैज इन्फॉर्म्ड इन एडवांस रिगार्डिंग द प्रपोज स्केड्यूल, पहले से ही स्केड्यूल इन्फॉर्म कर दिया गया है, इस वीडियो में आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, जो ये इसमें चार्जेस इन्वॉल्व होंगे जो आगे मैं बताने वाला हूं, उसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे, ठीक है। इस तरह से इनकम्प्लीट ऑफलाइन विदाउट फी एप्लीकेशन विल बी मतलब रिजेक्ट हो जाएंगी वो, ठीक है। चलिए प्रोसेस पर आते हैं, ठीक है, प्रोसेस पर आते हैं। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट वुड बी देयर, ऐसा नहीं कि आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस दे दी, राइट। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू द रिवीजन ऑफ द मार्क्स, राइट। डिक्रीज भी हो सकता है मार्क्स, फिर से बोर्ड स्पेसिफाई कर रहा है कि बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। देखो इन केस वेयर देयर इज अ चेंज इन द मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, ध्यान दे देना, बहुत सारे बच्चे इस पर फिर ध्यान देते नहीं और बाद में फिर बोलते हैं कि अरे सर हम तो श्योर नहीं थे, मार्क्स घट गए, घट भी सकते हैं। तो इफ यू आर 100% श्योर कि बच्चा आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तभी इन स्टेप्स को आप लीजिएगा, ठीक है। सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर देयर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो आपको जो अभी मार्कशीट मिली है उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा इन देयर पोजेशन, देयर आफ्टर दे शैल बी इशूड अ न्यू मार्कशीट, तो आपको एक नई मार्कशीट इशू की जाएगी जिसपे आपके रिवाइज्ड मार्क्स होने वाले हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल, एक बार अगर आपने भर दिया तो उसके जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो रिफंडेबल नहीं है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करते हो, स्केड्यूल यहां पर एनेक्सर 1 में गिवन है, लास्ट में आपको बताऊंगा। प्रोसेसिंग चार्जेस आर 500 पर सब्जेक्ट, तो जिस सब्जेक्ट में आपको अपने नंबर वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है, कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई, टोटल सब सही था कि नहीं था, तो आपको 500 पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा बच्चा। जैसे अगर आपको साइंस में दिक्कत है तो साइंस के लिए 500, एसएसटी में भी दिक्कत है तो एसएसटी और साइंस दोनों के लिए अप्लाई करोगे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह से द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉग इन अकाउंट टू द कैंडिडेट फ्रॉम वेयर ही शी हैज अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग मैनर, जिससे आपने अप्लाई किया है उसी में ही आपको अपडेट मिलेगा। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन विल बी अपडेटेड इन द लॉग इन अकाउंट, ठीक है, जो सीबीएसई के वेबसाइट पर ही होगा, ठीक है। ऑन द सीबीएसई नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंड, ऐसा नहीं कि आपके पास इंडिविजुअल कम्युनिकेशन आएगा। इन केस ऑफ द चेंज इन द मार्क्स द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज्ड इंक्रीज और डिक्रीज विल बी अपलोडेड और होस्टेड, आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, आपके मार्क्सशीट। Thereafter, once the result is recalculated, the actual increase or decrease will also be uploaded. ठीक है, आपकी नई मार्कशीट बन जाएगी। The applicants are advised to visit CBSE website for the status of verification request. आपने एक बार verify किया, मतलब अपना submit किया request, फिर आपको website पर ही जाकर देखना पड़ेगा कि आपकी request accept हुई है, क्या हुआ है, जो भी चीज। Only those candidates who will apply for the verification of the marks online will be eligible to apply for obtaining a photocopy of the answer books in those subjects. ठीक है, मतलब फिर आगे आपका photocopy of the answer books की बात करते हैं कि अगर आपको answer books की जो आपने आपकी जो books check हुई हैं उसकी photocopy चाहिए, आपको देखना है कि आपकी सही से चेक भी हुई है कि नहीं आंसर शीट, तो ये पूरा प्रोसेस दे रखा है, राइट। हु हैव अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स ऑनलाइन इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ दिस, तो मतलब अगर आपको फोटोकॉपी ऑब्टेन करनी है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए पहले अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर सीधा स्पेसिफाई है, प्रोसेसिंग चार्जेस आर 500 पर सब्जेक्ट, द स्केड्यूल इज गिवन, तो इसका भी स्केड्यूल बच्चा लास्ट में डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए किया, वेरिफिकेशन के बाद आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी को भी मतलब यहां पर वो कर सकते हो, 500 पर सब्जेक्ट आपको फिर से देना पड़ेगा। द एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है, सिंपल सी बात है। विल बी प्रोवाइडेड स्कैंड कॉपी ऑफ द आंसर बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन ही शी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द रीवैल्यूएशन। समझ आ गया बच्चा, स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया। पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, वेरिफिकेशन के साथ ही अगर आप चाहो तो अपनी आंसर बुक की पीडीएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब पीडीएफ एज इन वही उसकी कॉपी के लिए। कॉपी के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में ही आपको लग रहा है कि नहीं एग्जामिनर ने पूरे नंबर नहीं दिए, फिर बच्चा आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है,
रिवेल्युएशन में क्या होता है, दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रिवेल्युएशन। समझ आ रहा है प्रोसेस बच्चा? ठीक है, जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है वही एलिजिबल है फोटोकॉपी के लिए, और जिन्होंने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है वही एलिजिबल है रिवेल्युएशन के लिए। तो प्रोसेस समझिए, आधे बच्चों को ना प्रोसेस ही क्लियर नहीं होता, फिर बाद में इधर उधर भटकते रहते हैं, सर समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ। तो समझ लीजिए ये प्रोसेस है ऑफिशियल। रिक्वेस्ट फॉर रिवेल्युएशन और चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन द थ्योरी पोर्शन। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकल में कोई भी आप रिवेल्युएशन अभी फिलहाल नहीं कर सकते, थ्योरी में ही कर सकते हो। 100 रुपीज पर क्वेश्चन। जिस सवाल में बच्चा आपको दिक्कत है, आपको लग रहा है कि आपको सही नंबर नहीं अवॉर्ड किए गए, उसमें आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे उस क्वेश्चन के लिए। द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी एलिजिबल ऑन द वेबसाइट अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मार्किंग स्कीम भी होगी, तो उनको उसमें बताना पड़ेगा, देखो ये तो 2 नंबर मुझे नहीं मिले, ये स्टेप मैंने किया था, राइट? तो उस हिसाब से देयर आफ्टर द कैंडिडेट्स कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द रिवेल्युएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चन विथ क्लियर एंड प्रॉपर रीजनिंग। आपको बताना पड़ेगा, अगर आपको लगता है नहीं मैंने अलग मेथड से किया है, तो आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये मेरा इंटेंशन था या ये मैं लिखना चाहता था या चाहती थी। स्टेटस ऑफ द रिवेल्युएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय द फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक फॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, मतलब 1 नंबर से भी बच्चा अगर आपके मार्क्स घटते हैं तो वो पूरा आपको नया ही शीट मिलेगी, क्योंकि अब तो चेंज हो गए मार्क्स। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द रिवेल्युएशन विल बी द फाइनल एंड नो अपील और द दिस वन रिव्यू आफ्टर द रिवेल्युएशन विल बी एंटरटेन। तो रिवेल्युएशन के बाद अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिलहाल यहां पर यह लिखा हुआ है कि दैट विल बी द फुल एंड फाइनल। ठीक है, रिवेल्युएशन की अपील के बाद वो फाइनल कंसीडर किया जाएगा। इन केस ऑफ ऑल द अबव 3 एक्टिविटीज द डिसीजन ऑफ द बोर्ड्स विल बी द फाइनल। ठीक है, बोर्ड्स का ही डिसीजन फाइनल होने वाला है। फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक अंडर दिस विल बी प्रोवाइडेड एज पर द राइट टू इन्फॉर्मेशन, हाउएवर रिक्वेस्ट ऑन द वेरिफिकेशन और रिवेल्युएशन कैन नॉट बी मेड अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम इंपॉर्टेंट चीजों पर आ जाते हैं जो एज अ स्टूडेंट हमें जाननी जरूरी है, कि डेट क्या है, फीस तो मैंने आपको बताई दी। तो सबसे पहले बच्चों वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स की बात करते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स 2023-24 वाले क्लास 10th के बच्चों के लिए ऑनलाइन बच्चा आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसकी जो डेट है ध्यान से समझ लीजिए, 25/2024 मंडे से लेकर 24/5/2024 फ्राइडे मिडनाइट तक। ठीक है बच्चों, ध्यान दे दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? आपका वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स के लिए। ठीक है, जो कि आपका स्टेप नंबर 1 है। 500 पर सब्जेक्ट बच्चा आपके लगेंगे। समझ आ गया वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स के लिए। फिर बात करते हैं बच्चों, अगर आपको ऑब्टेन करना है फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर शीट, तो यह भी आपको ऑनलाइन ही बच्चा अप्लाई करना पड़ेगा। 4/6/2024 देखो ये कहां तक था, 5 तक था। ठीक है, इसके बाद आप मतलब आपको लग रहा है नहीं सेटिस्फाई हुए, तो ये स्टार्ट होता है 4/6/2024 से 5/6/2024 तक। ठीक है, तो इसका भी क्या है, 500 पर आंसर बुक। ठीक है, जिस सब्जेक्ट की आंसर बुक चाहिए बच्चा आपको, 500 रुपए उसके लिए देने पड़ेंगे। उसके बाद का स्टेज है रिवेल्युएशन, कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं एग्जामिनर ने सही नंबर नहीं दिए, मार्किंग स्कीम बोलती है आपको 5 मिलने चाहिए थे बट आपको 2 ही मिल रखे हैं, तो बच्चा फिर से अप्लाई करोगे ऑनलाइन फॉर द रिवेल्युएशन जो है 9/6/2024। देख रहे हो, उसके भी बाद मतलब 9/6/2024 मतलब इसी मंथ के भी थोड़ा ये 10/6 तक, तो मतलब उसी के आसपास ही है, क्योंकि आपने यहां पर देख लिया, डबल चेक कर ली, तो आप यहां पर इस विंडो में अप्लाई कर सकते हो संडे से लेकर मतलब 9/6/2024 से 10/6/2024 100 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से, और ये आपका फाइनल हो जाएगा। एंड ऑल द प्रोसेसेस आर ऑनलाइन, तो कोई भी मतलब आपका नॉन वर्किंग डे नहीं होगा, मतलब आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया बच्चों? तो ये था पूरा प्रोसेस फॉर द वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी ऑब्टेन करना, रिवेल्युएशन सारा। ठीक है, मैं एज अ टीचर बच्चा आपको बस यही सजेस्ट करूंगा, कई बार क्या होता है ना, हमारा हमें लगता है कि हमारे जो मार्क्स हैं, ठीक है यार, वो सही नहीं दे रखे। ठीक है, हमें कई बार लगता है। ठीक है, 1-2 दिन लीजिए इस प्रोसेस को, अब समझिए वेरिफिकेशन के लिए भी अभी आपके पास 25/2024 ठीक है अभी कुछ दिन है,
राइट तो 25/2024 से 24/5/2024 ठीक है, इस विंडो में आपको अप्लाई करना है। तो अभी फिलहाल अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, अपने खुद से पूछिए, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि क्या सच में आपके उतने नंबर बन रहे थे या जितने आए हैं उतने ही बन रहे थे, थोड़ा सा उस पर ध्यान लगाइए। राइट, और अगर आपको एक्सट्रीम केस में लगता है कि नहीं सर मेरे तो 100% बहुत ज्यादा कट गए हैं मार्क्स, मेरे ज्यादा आने चाहिए थे, तब आप इन प्रोसेस का सहारा लीजिए। ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस है, सीबीएसई खुद बोलता है कि यार ठीक है हो सकता है बढ़ते भी हैं बच्चों के मार्क्स, ऐसा नहीं है कि बढ़ते नहीं है, बट घट भी सकते हैं। ठीक है, इस बात का भी बच्चा आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इन चीजों का बच्चा आप ध्यान दीजिएगा। राइट, अब सीबीएसई का मैं आपको ऑफिशियल बता देता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। ठीक है, तो हाँ, तो सीबीएसई की वेबसाइट पर बच्चा आपको ऑफिशियल बता देता हूं कि आपको ये मेन वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर नोटिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स फोटोकॉपी ऑफ ये 10th के लिए, सेम बच्चा आपको ये 12th के लिए भी दिख जाएगा। ठीक है, सेम बच्चा आपको ये 12th के लिए दिख जाएगा, तो 12th में आप ये देख लेना और इसी तरह से 12th में भी आप अपने ये रिलेटिवली डेट्स देख लेना। ठीक है, तो दैट वॉज द प्रोसेस माई डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बट आई होप आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उनसे बढ़ जाएं अगर आप इस प्रोसेस से अप्लाई कर रहे हैं। राइट, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं तो भी बढ़िया बात है, टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चा। जिन बच्चों को थोड़े कम नंबर लग रहे हैं इट्स फाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ठीक है मेरे शायद इतने ही होंगे, तो शायद वाले बच्चे इसको ना भी ऑप्ट करें तो बेटर ही है, क्योंकि अब आप बच्चा आप 11th के लिए अच्छे से लग जाओ। ठीक है, आगे वाली रोड को ध्यान से बस देखो और अपनी जो गलतियां करी हैं उसमें सुधार लाओ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।